नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने चैनल ट्रैवल चीता में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि केदारनाथ यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, तो क्यों ना ट्रैवल चीता आप लोगों को एक डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो दे दे जिसमें हम सब कुछ कवर कर ले, डेट्स, डोली, रजिस्ट्रेशन, मौसम, भीड़, स्टे ऑप्शंस, ट्रैक रूट, ट्रैवल प्लान, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डोली से। केदारनाथ यात्रा में डोली होता क्या है? जब भी यात्रियों के लिए कपाट खुलते हैं, उससे कुछ दिन पहले से शिवजी की पंचमुखी मूर्ति को ऊखी मठ से केदारनाथ लेके जाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में पहले मूर्ति को ऊखी मठ से गुप्त काशी लेके जाया जाता है, गुप्त काशी से फाटा लेके जाया जाता है, और फाटा से गौरीकुंड लेके जाया जाता है, फिर गौरीकुंड से केदारनाथ लेके जाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 4 दिन लगते हैं और 5वें दिन से यात्रियों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई से खुल रहे हैं, जिसकी डोली मोस्ट प्रोबेबली 6 तारीख से ऊखी मठ से निकलेगी। साथ ही साथ 20 अप्रैल से हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो जिन्होंने भी हेलीकॉप्टर की सेवाएं लेनी है वो नीचे दिए गई वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके अपनी हेलीकॉप्टर की सर्विस बुक करा सकते हैं। इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैवल प्लान में मिल जाएगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जाता है ताकि वहाँ पे मैनेजमेंट को ये पता लग जाए कि कितने यात्री अप्रॉक्सीमेट इस महीने में आने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं होती, बट यात्रियों के लिए प्रबंध करने के लिए ये सब किया जाता है। तो आप प्लीज़ रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मौसम काफ़ी न्यूट्रल होने वाला है, वेदर क्लाइमेट काफ़ी अच्छा रहेगा, तो सबसे बेस्ट टाइम वैसे तो मई में ही माना जाता है। जैसे ही कपाट खुले आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि मई से अक्टूबर तक इसके कपाट खुले रहेंगे। जब भी अक्टूबर के बाद इसके कपाट बंद होते हैं, तो उसी सेम तरीके से जैसे ऊखी मठ से केदारनाथ डोली लाई जाती है, वैसे ही शिवजी की मूर्ति को केदारनाथ से ऊखी मठ लेके जाया जाता है। जब भी फिर कपाट दोबारा खुलते हैं, वही सेम प्रोसेस दोबारा फॉलो किया जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ट्रैवल जर्नी। आप लोग कैसे कवर कर सकते हैं जब आप केदारनाथ जा रहे हैं? तो हमेशा आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि आप कैसे अपनी यात्रा को बस से करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो अगर आप लोग दिल्ली से अपना सफर शुरू कर रहे हैं, तो आपको दिल्ली कश्मीरी गेट से बस पकड़नी है। और जो बस होगी वो आपको 2 तरीके की बस मिल सकती है। तो पहले आपको पता करनी है जो केदारनाथ से नियरेस्ट स्टॉप है सोनप्रयाग। आपको दिल्ली से डायरेक्ट सोनप्रयाग की बस भी मिल सकती है कश्मीरी गेट से, तो वो आपको पहले पता करनी है कि अगर डायरेक्ट हमें दिल्ली से सोनप्रयाग मिलती है तो आप वो बस ले लीजिए, क्योंकि फिर बीच में आपको कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग की बस या फिर मिस हो जाती है और सर्विस अगर उस टाइम पे नहीं है, जो कि वैसे यात्रा के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बसेस जो है वो कम हो जाती है यात्रा सीजन में, बसें यहाँ से शिफ्ट हो जाती हैं, तो वैसे ऑप्शन है सोनप्रयाग की बस चलती है। और दूसरा ऑप्शन फिर आपके पास ये है कि आप सोनप्रयाग से पहले जो नियरेस्ट स्टॉप्स हैं वहाँ की बस जो भी अवेलेबल होगी आपको वो आप ले सकते हैं। जैसे कि दिल्ली से श्रीनगर की बस हमेशा चलती है, तो आप वो बस पता कर सकते हैं। और दिल्ली से आपको रुद्रप्रयाग की बस भी मिल सकती है। तो ये तो आपका हो गया कि अगर आप दिल्ली से अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। और अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आप हरिद्वार से, बहुत सारे लोग हरिद्वार से अपना सफ़र शुरू करने की कोशिश करते हैं जो कि केदारनाथ इस धार्मिक यात्रा पर जाते हैं। तो हरिद्वार से आप कैसे अपनी बस से इस जर्नी को कवर कर सकते हो? तो आप हरिद्वार पहुंचने के बाद आप वहां से डायरेक्ट पहले तो सोनप्रयाग की बस का पता कीजिए। जो भी टाइम पे आप लोग पहुंचते हो, कोशिश कीजिए आप सुबह अपनी यात्रा को शुरू करो, क्योंकि सुबह बहुत सारी बसें अवेलेबल होती हैं। तो पहले आपका वही रहेगा कि आपको सोनप्रयाग की बस देखनी है, तो हरिद्वार से डायरेक्ट सोनप्रयाग आप लोग जा सकते हैं। अगर आपको सोनप्रयाग की बस नहीं मिलती है, बाई चांस आपकी मिस हो जाती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर से आप नियरेस्ट आप देख सकते हैं हरिद्वार से। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगस्त मुनि की बस भी देख सकते हैं, ऊखी मठ की बस भी देख सकते हैं। तो कुछ हम आपको इधर स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे जो कि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के बीच के जो स्टेशन हैं, स्टॉप्स हैं, वहाँ की बसेस बहुत आराम से मिल जाती हैं। तो आप वहाँ इन जो भी स्टॉप्स हैं इन पे आप लोग
अपने बस स्टॉप पे जाके क्वेरी कर सकते हैं कि यहाँ की बसेस क्या अवेलेबल हैं और वहाँ के आप टिकट लेके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप कैसे पब्लिक बसेस से अपनी यात्रा को कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग ट्रेन से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से इस यात्रा पे आते हैं, तो आप ट्रेन से भी सोच रहे होंगे कैसे हम लोग केदारनाथ पहुंच सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप हरिद्वार आएं और या फिर आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पे आएं। तो हरिद्वार तक का तो आपको मैंने बसेस का बता दिया है, तो आप वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं। और अगर आप लोग ऋषिकेश स्टेशन पे आते हो रेलवे स्टेशन पे, तो आप लोगों को क्या करना है, ऋषिकेश से भी बहुत सारी हमारी सर्विसेज हैं सोनप्रयाग की, उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, तो आप वो डायरेक्ट बस ले सकते हैं, या फिर से आपको अपनी जर्नी को ब्रेक करना पड़ेगा और वही जो बस स्टॉप्स हैं उनके बारे में आप पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ यहाँ की बसेस अवेलेबल हैं, तो वो आप लोग अपने स्टेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन है कि कैसे आप लोग प्राइवेट टैक्सीज, या फिर अब अगर आप बस मिस हो जाती तो कैसे अपनी जर्नी को टैक्सीज के थ्रू कवर करेंगे। तो प्राइवेट टैक्सी का पहला ऑप्शन तो यही है, आप अपने घर से अगर लेते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वेंडर से बात कर रहे हो और वो कितना चार्ज करता है। अब रही बात अगर आप हरिद्वार से टैक्सी करते हो डायरेक्ट सोनप्रयाग की, तो आपको जो चार्जेस हैं वो 8 से 10 हज़ार बोलेंगे और यात्रा सीजन पे वो चार्जेस ज़्यादा भी कर लेते हैं, तो आपको नेगोशिएशन भी करवाना है और 3-4 वेंडर से आप पूछ सकते हो। और अगर आप लोग जैसे श्रीनगर चले गए हो या फिर आप अगस्त मुनि चले गए हो, अब आपको सोनप्रयाग पहुंचना है, तो इन रूट्स पे टैक्सीज बहुत नॉर्मल है, ये लोग टैक्सीज चलाते हैं वहाँ के लोकल लोग, और वो आपको एक जो फेयर होता है वो आपसे लेंगे। और अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप बुक भी कर सकते हैं, फिर वो डिपेंड करता है कितने किलोमीटर्स के हिसाब से वो लेते हैं, तो आप उनसे नेगोशिएशन कर सकते हो और आराम से आप सोनप्रयाग पहुंच सकते हो। तो ये तो पूरी जर्नी हो गई कि कैसे आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करते हो। अब प्राइवेट अगर आप अपनी पर्सनल कार से आना चाहते हो तो वो तो फिर आप आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो, और ड्राइवर आप बहुत अच्छा लेके आए क्योंकि रोडें कभी कभी ख़राब भी होती हैं, स्किल्ड ड्राइवर्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हो या फिर इस यात्रा पे आ रहे हो, तो आपके दिमाग में ज़रूर आता है कि यार मैं हेलीकॉप्टर से क्या यात्रा कर सकता हूँ, तो इसका आंसर है यस, आप हेलीकॉप्टर से भी अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा को कवर कर सकते हैं। पॉइंट है कि कैसे कवर करेंगे, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो बाय रोड है जर्नी वो कवर करनी पड़ेगी, तो 3 जगह से हेलीकॉप्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो पहला जो है वो है सिरसी, ये स्टॉप है, यहाँ से आपको केदारनाथ धाम तक हेलीकॉप्टर लेके जाएगा और रिटर्न भी सिरसी में छोड़ेगा। दूसरा स्टॉप जो है वो है आपका फाटा, फाटा से भी आपको हेलीकॉप्टर मिलता है और सेम रिटर्न इसका होता है। और थर्ड है आपका गुप्तकाशी, तो गुप्तकाशी में भी आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं और गुप्तकाशी से आप केदारनाथ धाम की यात्रा को कवर कर सकते हैं। अब रही कि आप कैसे इसको बुक कराएंगे, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप विजिट करके अपनी हेलीकॉप्टर बुकिंग्स करवा सकते हैं। और हेलीकॉप्टर बुकिंग्स करवाने से पहले आपको चार धाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना बहुत मैंडेटरी है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए। फिर दूसरा पॉइंट है कि अगर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा रहे हो तो आपको 1 घंटे पहले अपनी जो स्टॉप है जैसे सेडसी, फाटा या गुप्तकाशी, वहाँ पर आप लोगों को पहुँचना है 1 घंटे पहले। और थर्ड पॉइंट है कि आप अपनी टिकट के साथ, हेलीकॉप्टर की टिकट के साथ आप वैलिड आईडी प्रूफ कैरी करें, जो कि उस टाइम पे वो लोग आपका चेक करेंगे और तभी वो आपको हेलीकॉप्टर में बिठाएंगे। तो ये तो हो गई कि कैसे आप लोग बुकिंग्स करा सकते हैं, कौन सी वेबसाइट से कराएंगे और कहां कहां से आपको हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं प्राइसेस की, तो जो बस के फेयर हैं वो बहुत मिनिमल रहते हैं, आपके डिपेंड करते हैं, जैसे आप हरिद्वार से डायरेक्ट सोनप्रयाग जा रहे हो तो 500-600 में आपकी जर्नी कवर हो जाती है। और टैक्सीज का वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टॉप से ले रहे हैं, और अगर आप पूरी टैक्सी बुक करा रहे हैं तो आप फिर नेगोशिएशन कराएंगे। और अगर मिनिमम जो चार्जेस रहते हैं जैसे एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप, तो 150-200 लोग लेते हैं आपसे और आपको पहुंचा देंगे आपके स्टॉप तक। अब हेलीकॉप्टर के चार्जेस हम जान लेते हैं, तो सिरसी और अगर फाटा से केदारनाथ धाम जा रहे हो तो आपको 6 से 7 थाउजेंड को चार्ज करेंगे आना और जाना दोनों तरफ,
अगर आप गुप्त काशी से जा रहे हैं, गुप्त काशी से आपको 8,000 से 9,000 रुपए वो चार्ज करेंगे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है। लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि आप गवर्नमेंट साइट से ही बुकिंग कराएं और गवर्नमेंट साइट पे जो भी पॉइंट्स दिए हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए बुकिंग कराने से पहले। और जो फ्रॉडस्टर्स हैं, कुछ कुछ आपको पैकेज के नाम पे भी बोलेंगे कि यार हम पैकेज दे देंगे, कम करा देंगे, तो उनसे आप बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी फ्रॉड हो जाता है और फिर प्रॉब्लम होती है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि है स्टे का, कहाँ कहाँ आप लोग रुक सकते हैं और क्या आपका ट्रैकिंग रूट रहेगा। तो जैसे कि आप लोगों को गौरव ने बताया कि आपका पहुंचना कैसे आपको केदारनाथ यात्रा के लिए, मैं आपको बताऊंगा जो आपके स्टे के ऑप्शंस रहेंगे अगर आप लोग अपनी यात्रा ब्रेक करते हुए आ रहे हो। तो मेन में जो जगह आपके रास्ते में पड़ेंगी वो होगा श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऊखी मठ, अगस्त मुनि, सीतापुर और आपका सोनप्रयाग। यहाँ पे आपको हर जगह पे आपके नॉमिनल रूम्स जो रूम के जो चार्जेस होंगे वो होंगे 1500 से 2000 के आसपास, आपको ठीक ठाक रूम इसमें मिल जाएगा। बट मेन जो जब आप पहुँच चुके हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सोनप्रयाग ना रुक के सीतापुर रुकिए, क्योंकि सोनप्रयाग में अगर आप रुकेंगे तो वहाँ पे होटल के चार्जेज होंगे वो थोड़े ज़्यादा होंगे। सीतापुर में आपको फिर भी बार्गेनिंग करके आप थोड़े चार्जेस कम करवा सकते हैं। अब आप अगर सीतापुर रुक गए तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको जाने के लिए सुबह आप अर्ली निकल सकते हो, अपना ब्रेकफास्ट करके होटल से ही ब्रेकफास्ट कर लीजिए या आसपास जो भी शॉप है वहाँ से ब्रेकफास्ट करके आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हो। और अराउंड सीतापुर से सोनप्रयाग की जो पार्किंग होगी वो अराउंड आपको पड़ेगी 2.5 किलोमीटर्स की। और अगर आप वहाँ से गाड़ी से, मैं बोलूँगा कि आप गाड़ी से मत जाइए क्योंकि वो थोड़ी सिंगल रोड हो जाती है और वहाँ पे आपको बहुत जाम मिलने वाला है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल ही वहाँ से सीतापुर से निकलिए, गाड़ी आपकी वहाँ होटल के आसपास पार्क हो जाएगी, जहाँ भी जगह देख के आप ठीक जगह पार्क कर सकते हैं। तो जब आप सोनप्रयाग की पार्किंग पहुंच चुके हैं वहां से आपको मिलेंगी टैक्सी गौरीकुंड जाने के लिए। गौरीकुंड सोनप्रयाग से अराउंड 6 किलोमीटर्स का होता है और वहां पे पर्सनल कार्स ले जानी अलाउड नहीं होती, वहां की लोकल टैक्सियां ही चलती हैं, उसी से आप लोग गौरीकुंड पहुंचेंगे। अब गौरीकुंड जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां पे एक आपका आता है गर्म कुंड, अगर आप वहां पे स्नान करके ऊपर जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो गौरीकुंड से आपने आपको अगर खच्चर करने हैं तो आप वहाँ से खच्चर आपको मिल जाएंगे गौरीकुंड से भी, बीच रास्ते में भी मिल जाते हैं अगर आप बीच में कहीं आपको फील हो रहा है कि आप थक गए हो, अब नहीं चला जा रहा है, ट्रैक नहीं किया जा रहा है, तो बीच में भी आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपको स्टार्टिंग से खच्चर करने हैं तो आपको गौरीकुंड से मिलेंगे। अब गौरीकुंड के बाद आपका 4 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आता है जंगल चट्टी, वहाँ पे भी आपको शॉप्स मिल जाएंगी बहुत सारी, अगर आपको कुछ खाना पीना है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स लेनी है तो वहाँ से आप ले सकते हो, काफ़ी शॉप्स मिलेंगी आपको। जंगल चट्टी के बाद 3 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग होगी, उसके बाद आप पहुँचेंगे भीमबली, और भीमबली के बाद 4 किलोमीटर्स की फिर से ट्रैकिंग होगी, तब आप पहुँचोगे लिंचोली। अब लिंचोली में अगर आपको लग रहा है कि हम, जैसे अगर आपने दिन में शुरू करा, आपको फील हो रहा है कि हमें एक दिन का स्टे कर लेना चाहिए, तो आप लिंचोली में आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। और वहाँ पे नॉर्मली रूम्स तो नहीं होंगे, बट हाँ जो टेंट वगैरह लगे होते हैं वहाँ पे आपको वो मिल जाएंगे, जैसे अगर जो शॉप वाले होते हैं वहाँ पे वो लोग भी अपने ही शॉप में रात को आपको सुला सकते हैं, वो नॉमिनल चार्जेस लेते हैं और आप उनके शॉप में स्टे कर सकते हो। फिर लिंचोली के बाद अगर आप 3 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग करोगे उसके बाद आपका आ जाएगा केदारनाथ बेस कैंप। 3-4 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग होती है ये, फिर आपका बेस केदारनाथ बेस कैंप आ जाएगा। केदारनाथ बेस कैंप में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे रहने के, स्टे करने के, बहुत टेंट्स लगे होते हैं वहाँ पे, मतलब पर्सन टू पर्सन अगर आप अकेले जा रहे हो सिंगल बंदे का टेंट भी मिल जाएगा, 2 बंदे का टेंट मिल जाएगा, 3 का, 4 का, तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज रहती है, तो वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसा स्टे का ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हो वो ऑप्शन आप ले सकते हो। अब केदारनाथ बेस कैंप के बाद आपका 1 किलोमीटर बाद आएगा केदारनाथ टेंपल। तो केदारनाथ बेस कैंप से आप थोड़ा सा आगे जैसे ही चलोगे तो वहाँ से फिर लाइन शुरू हो जाती है टेंपल में जाने के लिए, और ये पूरा आपका ट्रैकिंग रूट हो गया। तो आइए और ट्रैक कीजिए और मज़े करिए। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी जरूरी चीजों की जो आपको अपने साथ इस ट्रिप पे साथ लेके जानी चाहिए, और साथ ही साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के बहुत काम आ सकती हैं। तो जैसे ही आप केदारनाथ मंदिर पहुंचने वाले होते हैं ट्रैक करके, तो आपको वहां पे मंदिर से पहले बहुत लंबी लाइन मिलती है, वो लाइन कम से कम 3-4 घंटे की होती है। तो उस लाइन को स्किप करने के लिए मैनेजमेंट के थ्रू ही VIP दर्शन की टिकट लेनी पड़ती है, वो आपको वहाँ पे टिकट काउंटर से मिल जाएगी या फिर आपको ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको बुक करना होता है।
वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके बुक कर सकते हैं, या फिर आप वीआईपी दर्शन पेड पूजा के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको अभिषेक पूजा करवानी है या महाअभिषेक पूजा करवानी है या वेद पूजा करानी है स्पेसिफिक टाइम पे, तो उसकी फैसिलिटी भी आप अवेल कर सकते हैं। इन सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसा जरूरी सामान है जो आपको अपने साथ कैरी करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मेडिसिंस होती हैं, सर दर्द की दवाई, पेट दर्द की दवाई, उल्टी की दवाई, या फिर आप ब्लैंक आउट हो सकते हैं वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये छोटी छोटी दवाइयाँ आपको साथ लेके चलनी है। आपको अपने साथ ग्लूकोन डी का पाउच कैरी करना है, कुछ खाने पीने का सामान ताकि आपका पेट खाली ना रहे। आपको पूरा पेट भर के नहीं खाना है, आपको रास्ते में काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे आप पेप्सी, खाना, परांठे सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन आप आराम से पूरा पेट भर के ना जाएं। थोड़ा थोड़ा टॉफ़ीज, बिस्किट्स, थोड़ा थोड़ा सामान आप खाते रहें, जूसेस आप पीते रहें, ताकि आप चलते भी रहें और ऊपर जाके आप मंदिर के दर्शन का आनंद भी ले पाएं। जब आप केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं तो वहां से आधे से एक किलोमीटर की दूरी पर भैरव बाबा का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं और आप भैरव बाबा के मंदिर नहीं गए तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती, तो आप भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। साथ ही साथ केदारनाथ मंदिर से जब आप भैरव बाबा के मंदिर की तरफ जा रहे होते हो तो आपको रास्ते में काफ़ी सारे भंडारे देखने को मिल सकते हैं। हमने भी खूब स्वादिष्ट भंडारा बहुत अच्छे से खाया था वहाँ पे, कढ़ी चावल का भंडारा लगा हुआ था, आलू पूरी का भंडारा लगा हुआ था और साथ में मीठा भी दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, बट अगर आप अपना सामान कैरी करके साथ चलें तो वो बेहतर रहेगा। अगर तो आप बिगनर हैं तो आप अपने साथ स्टिक जरूर कैरी करें, स्टिक से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ग्लूकोन डी और मेडिसिन आपको साथ रखनी है जैसे कि मैंने बताया है, और आपके शूज़ जो हैं काफ़ी नीचे से सोल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे कभी कभी होता है खच्चर वगैरह आते जाते रहते हैं, कभी कभी बारिश का मौसम बन जाता है, तो ग्रिप बनाए रखने के लिए आपका बैलेंस ना बिगड़े, क्योंकि जो खच्चर होते हैं और जो उनके ओनर्स होते हैं वो एकदम से आते हैं, हटो 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 बोलते हैं तो बहुत ही हौच पौच हो जाता है, बहुत ही डर लगता है कि भाई गिर ना जाए। हालांकि रास्ता काफ़ी ब्लॉक्ड होता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से आपको ये सारी दिक्कतें आ सकती। कपड़े आप कोशिश करें कि ज़्यादा जीन्स वगैरह ना कैरी करें साथ। मैं अपने हर ट्रैक में ये बोलता हूँ कि आपको ज़्यादा फैशन वगैरह नहीं करना है, जीन्स अवॉइड करना, लोअर लेके जाना है, कंफर्टेबल लोअर लेके जाना है, ऊपर जाके एक लोअर और एक्स्ट्रा रखना है जो ऊपर जाके आप चेंज कर सको। और तो और इतनी फैसिलिटीज वहाँ पे हैं कि वहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था भी मिल सकती है, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं, कौन कौन से होम स्टे आपको वहाँ पे ऊपर उपलब्ध हैं। और अगर आप अपना टेंट वहाँ ऊपर लगाना चाहते हैं, बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के पास भी आप अपना टेंट लगा सकते हैं, या फिर उससे एक किलोमीटर दूर काफ़ी सारे होम स्टेज और काफ़ी सारे वहाँ पे तंबू लगे होते हैं, वहाँ पे आप अपना टेंट लगा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। कोई भी रोक टोक नहीं है, अगर आपको होम स्टे चाहिए वो मिल जाता है, वहाँ पे आपको खाने पीने का पूरा प्रबंध मिलता है। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से मौसम काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, काफ़ी ठंड वहाँ पे हो सकती है, बट बारिश की आशंका अभी नहीं है, तो बट आप अपने साथ रेनकोट, रेन कवर लेके चले, कुछ भी हो सकता है, मौसम का कुछ पता नहीं लगता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कपाट खुलते ही काफ़ी सारे यात्री, बहुत सारे यात्री केदारनाथ धाम जाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे हैवी भीड़, वहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी लाइनें आपको मिल सकती हैं टिकट काउंटर पे भी और अलग अलग सेवाओं के लिए। तो जो भी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं वो आप करके जाएँ, अपनी होटल बुकिंग्स, हेलीकॉप्टर की सर्विसेज और अपना खाने पीने का सामान सारा अपने साथ लेके चलें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगा आपको, जब आप केदारनाथ धाम से वापसी गौरीकुंड आते हैं तो वहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, उन्होंने वहाँ पे कैब फैसिलिटी लगाई हुई है, जो आपको जब आप वापसी जाते हैं, जब आप आ रहे होते हैं तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको कैब छोड़ती है, वही कैब आपको गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक भी छोड़ती है। लेकिन केदारनाथ धाम से जब आप नीचे आ रहे होते हैं पूरे थके होते हैं, तब आपको अगर 3-4 घंटे की लाइन मिल जाए तो आई थिंक आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था, जब हम गौरीकुंड पहुँचे तो वहाँ पे 500 मीटर 1 किलोमीटर पहले ही हमें लंबी लाइन दिख गई थी,
तो हमने लाइन को स्किप करके हम आगे गए, हमें नहीं पता था कैब के लिए लाइन है, हम वो लाइन स्किप करके आगे गए, आगे देखा तो सारे कहते वापसी पीछे जाओ, तो हमने 500 मीटर पीछे जाने से अच्छा, 1 किलोमीटर पीछे जाने से अच्छा हम आगे को चल दिए, हमने कैब नहीं ली जो आगे 4 किलोमीटर और था, हमारे पैर वगैरह पहले ही टूटे पड़े थे, वो और भी ज़्यादा दर्द करने लगे थे। तो ये आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए, क्योंकि जितने भी रहने की व्यवस्था है वो सारी सोनप्रयाग में ही है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर फिर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की यात्रा सफल हो। हर हर महादेव।